गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी नेचुरल हेयर डाई शेयर कर रही हूँ जो हमारे ग्रे हेयर को बहुत ही अच्छी तरह से कवर करेगी। इसके साथ साथ हमारे बाल लंबे, घने, मजबूत, मुलायम भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बर्तन, उसमें आपको डालना है लगभग 2 ग्लास पानी। यहाँ पर पीने के पानी का यूज़ करें, हार्ड वाटर का यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हार्ड वाटर हमारे बालों को रूखा सूखा बेजान बनाता है और उससे हमारे बाल टूटते भी हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच के जितनी फ्लैक्स सीड, मतलब अलसी। ये बालों को थिकनेस देने के साथ साथ बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ बनाती है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड से भरपूर होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है गुड़हल की पत्तियाँ, मतलब हिबिस्कस की लीव्स। ये बात प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को ख़त्म करती है। उसके साथ साथ बालों में थिकनेस देने के साथ बालों को डीपली कंडीशनिंग करती है। ये कंडीशनर है हमारे बालों के लिए। जिनके भी बाल रूखे सूखे बेजान है वो उसे यूज़ करके देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि इनका रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है, ठीक है? 15 से 20 लेनी है हिबिस्कस के लीव्स, गुड़हल की पत्तियाँ। उसे अच्छी तरह से वॉश करके हल्का सा इस तरह से ग्राइंड कर लें या फिर छोटे छोटे पीसेस में काट भी सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमने जो फ्लेक्सीड ली थी उसमें ही हम इसे डाल देंगे। दोनों चीज़ों को रखेंगे गैस पर। गैस के फ्लेम को हमने ऑन किया है और इसे हमें अच्छी तरह से इसकी एक पतली सी जेल बनानी है, बहुत थिक नहीं। इसलिए हम यहाँ पर पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, जैसे जो इसकी जेल है वो बहुत थिक नहीं बल्कि हल्की सी पतली सी बने। ये जो जेल बनेगी यही अपने आप में कमाल करेगी हमारे बालों के लिए, बालों में थिकनेस देगी। अगर आप सिर्फ इस जेल को भी यूज़ करेंगे ना तो आपके बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ हो जाएंगे, बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाएगा। अब इसकी बिल्कुल एक हम पतली सी जेल बन जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे लगे कि जेल हम बनाते हैं वैसे बन गई है, तो आप गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे आपको अब रखना नहीं है, ठीक है? इसे गरम गरम ही छान ले, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 चम्मच फ्लेक्सीड ऐड की है। फ्लेक्सीड अगर ज़्यादा देर हम रखेंगे तो इसे आपको छानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें, उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, इस तरह की जो सूप की छन्नी आती है ना, या तो फिर कपड़ा लेंगे तो आराम से, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, ठीक है? उसके बाद जो ऊपर से बच्चा है उसे बिल्कुल भी फेंके नहीं, उसमें पानी डालकर बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड करें, छान लें और अपने शैम्पू में डालकर यूज़ करें, क्योंकि जो फ्लेक्सीड है उसमें अभी काफ़ी जेल बाकी थी। मैंने जेल को बहुत ही अच्छी तरह से छान लिया है। इसके बाद आपको लेना है लोहे का बर्तन। देखिए, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो प्लीज़ लोहे का बर्तन ज़रूर लें, ठीक है? उसके बाद आपको इसमें डालना है 4 से 5 चम्मच या तो आंवला पाउडर या फिर त्रिफला पाउडर। त्रिफला जो तीन चीज़ों का मिश्रण होता है, आंवला, हरड़ और बड़ेड़ा, ये तीनों ही चीज़ें बालों को काला करने के साथ साथ बालों को थिक भी बनाती है। अगर त्रिफला है तो त्रिफला पाउडर लें, नहीं है तो आंवला पाउडर तो हर एक के पास रहता है, तो फिर आप इसमें आंवला पाउडर लें, ठीक है? वैसे सब चीज़ें आप अपने बालों के लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे हिबिस्कस के फूलों का पाउडर, मतलब गुड़हल के फूलों का पाउडर। हमने इस रेमेडी में गुड़हल की, मतलब हिबिस्कस की पत्तियाँ भी यूज़ की है और उसके साथ साथ गुड़हल के फूलों का पाउडर भी हम यूज़ कर रहे हैं। गुड़हल जो कि इसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, ये हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब हम हिबिस्कस लगाते हैं तो हमारे बालों में गजब की शाइन आती है। लगभग 2 चम्मच हमने डाला है गुड़हल के फूलों का पाउडर। अब लगभग 2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ब्राह्मी पाउडर। अगर आपके पास ब्राह्मी पाउडर है तो आप वो डालेंगे, नहीं है तो भृंगराज पाउडर होगा, उसके 2 चम्मच भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ब्राह्मी, भृंगराज, ये बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप चाहें तो
इन्हें गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं इन सब के बारे में, जिन पाउडर्स के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ये आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे बालों पर कमाल का रिजल्ट दिखाती हैं। केमिकल्स से जितना हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि एक तो बाल ज़्यादा सफ़ेद होते हैं वो तो है, दूसरा अगर स्किन एलर्जी हो गई तो वो बहुत बड़े प्रॉब्लम का काम हो जाता है। अब यहाँ पर हम डालेंगे हीना, मतलब मेहंदी, ठीक है, बालों के हिसाब से डालेंगे। देखिए, बहुत लोगों को हीना मतलब मेहंदी का कलर पसंद नहीं आता है। अगर आपको भी ऐसा है कि आपको हीना का कलर पसंद नहीं आता है, तो आप एक दो दिनों के बाद, तीन दिनों के बाद सिर्फ इंडिगो भी लगा सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल काले बाल चाहिए तो। नहीं तो हीना से भी एक बहुत अच्छा आपको कलर मिल सकता है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर पाउडर्स उसमें अच्छे ऐड करके और उसे लगाएंगे तो। अब हम क्या करेंगे, हमने जो जेल बनाई थी उससे हम हीना की पहले एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे, जैसे हम हीना की पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। 8 से 10 दिनों में इस रेमेडी को आप एक बार यूज़ करेंगे ना, आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको दिखेगा हीना किसी, प्लीज़ अच्छी कंपनी के लिए इस बात का भी ध्यान रखें। जितना मैंने पानी बनाया था लगभग उतना पूरा ख़त्म हो गया जो हमने जेल बनाई थी। अब इसकी एक स्मूथ सी देखिए पेस्ट, अभी ही आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा आपको दिख रहा है, पर इसमें हम कुछ और भी मिलाएंगे इसकी रिजल्ट और अच्छी करने के लिए, ठीक है। पहले इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे वो डालेंगे ACV, मतलब एप्पल साइडर विनेगर। इसके बारे में भी आप चाहें तो गूगल पर पढ़ सकते हैं, 3 से 4 चम्मच लगभग। ये न ही सिर्फ कलर को डार्क करेगा बालों के हम इसमें डालेंगे तो, बल्कि एप्पल साइडर विनेगर जो है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है क्योंकि ये एसिडिक होता है। उसके साथ साथ ये बालों में थिकनेस भी देता है और डैंड्रफ को भी बिल्कुल ख़त्म करता है। अब हमने इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना ली है, जो साइड में है ना वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें, तो वहाँ से पूरा निकाल कर आप उसे बीच में डाल दें। अब इसकी जब स्मूथ सी पेस्ट बन जाए तो इसे आपको ढककर 1 से 2 दिनों तक हो सके तो छोड़ दें। देखिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हल्की सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, और ये कोई बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं है हमारे बालों के लिए। अब मैं इसे लगभग ढककर 1 दिन तो ज़रूर छोड़ती हूँ, मतलब 24 आवर्स के लिए लगभग इसे मैं छोड़ देती हूँ, और इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हीना इंडिगो हवा के कांटेक्ट में आते हैं ना तो वो हमारे बालों को कलर नहीं देते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, 1 दिन छोड़ने के बाद। मैं 1 दिन छोड़ती हूँ, अगर टाइम हो तो 2 दिन छोड़ दें और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा, आप साइड में देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक है। ये सब निकाल कर आप बीच में डाल दें, छोटे छोटे सेक्शन करके अपने बालों में लगा लें, 3 से 3.5 घंटे ज़रूर रखें, शावर कैप पहने, और उसके बाद सिर्फ नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश